शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, ये सब बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था पहले ये जान लेते हैं। बीते सप्ताह सेंसेक्स 1.28% के नुकसान के साथ बंद हुआ, वहीं निफ्टी में भी 1.14% की कमजोरी देखी गई। पिछले कारोबारी सप्ताह के दौरान आईटी शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई थी। इसके बाद चुनिंदा इंफ्रा और मेटल शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। वहीं FMCG, तेल और गैस, फार्मा और चुनिंदा बैंकों के शेयरों में हल्की खरीदारी देखने को मिली थी। अब अगले हफ्ते की बात करते हैं। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक के तिमाही नतीजों पर भारतीय शेयर बाजार अपनी प्रतिक्रिया देगा। वहीं अगले हफ्ते कई अहम कंपनियों के तिमाही नतीजे आने वाले हैं। इस दौरान लगभग 200 कंपनियां अपने नतीजों का ऐलान करने वाली हैं। कुछ बड़ी कंपनियों में इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी इंडिया और एक्सिस बैंक के नाम शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार बजाज फिनसर्व, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, विप्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के तिमाही नतीजों पर भी नजर रहेगा। अब आइए डोमेस्टिक फैक्टर्स पर। घरेलू मोर्चे पर तिमाही नतीजों के अलावा 28 अप्रैल को मार्च महीने के साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटे से जुड़े आंकड़े जारी किए जाएंगे। बाजार इन आंकड़ों पर भी नजर रखेगा। मार्च के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट और 21 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आंकड़े भी 28 अप्रैल को आएंगे, तो बाजार इन आंकड़ों को भी तरजीह देगा। अब आइए ग्लोबल फैक्टर्स पर। निवेशकों की नज़र US GDP की विकास दर के अनुमानों पर भी रहने वाली है। मार्केट एक्सपर्ट्स मोटे तौर पर यही उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी मार्च तिमाही के लिए अमेरिकी विकास दर 2022 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही में आई वृद्धि दर से कम रहेगी। यानी अमेरिका का विकास दर 2.6% की वृद्धि दर से कम रह सकता है। अब आइए तेल के खेल पर। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव पर भी निवेशकों की नजर रहेगी। बता दें पिछले 4 हफ्तों में 18% से ज्यादा की तेजी के बाद इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा बीते सप्ताह में 5% से ज्यादा गिरकर $81.66 प्रति बैरल पर बंद हुआ था। अब FII फ्लो कैसा रहा ये जान लेते हैं। लगभग 3 सप्ताह तक लगातार इनफ्लो यानी खरीदारी के बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पिछले सप्ताह नेट सेलर बन गए। इस आउटफ्लो के चलते भारतीय इक्विटी बाजारों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला था। निवेशक अमेरिका में मंदी की बढ़ती आशंकाओं और संभावित कमाई में गिरावट के कारण चिंतित दिख रहे थे। इसके साथ ही मई में FOMC की बैठक से पहले इन्वेस्टर्स सतर्क हैं। पिछले सप्ताह FII ने शुद्ध रूप से 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे। अगर आगे भी FII नेट सेलर बने रहे तो बाजार में और गिरावट आ सकती है। अब जाते जाते IPO का अपडेट भी ले लेते हैं। अगले सप्ताह मैनकाइंड फार्मा का IPO आने वाला है। कंपनी इसके जरिए 4300 करोड़ रुपए जुटाने चाहती है। यह IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 25 अप्रैल को खुलेगा और इसकी क्लोजिंग डेट 27 अप्रैल है। एंकर निवेशकों के लिए ये इश्यू 24 अप्रैल को खुल जाएगा। बता दें कंपनी ने अपने IPO का प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए प्रति शेयर तय किया है। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।